एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव देयर लिंक्डइन अकाउंट, दैट इज द नीड ऑफ एन आवर. 10 to 20% जॉब्स आर डायरेक्टली अवेलेबल ऑन लिंक्डइन. इफ यू आर ऑन लिंक्डइन यू हैव नो नीड टू वरी अबाउट द जॉब बिकॉज जॉब्स आर अवेलेबल. मेनी एचआर प्रोफेशनल्स, टॉप प्रोफेशनल्स फ्रॉम एनी कंपनीज आर गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू दोज स्टूडेंट्स हु आर हैविंग कैपेबिलिटीज एंड सर्चिंग फॉर द जॉब. एंड इन लिंक्डइन प्रोफाइल यू हैव टू शोकेस योर अचीवमेंट in any form, whether you have done any project, showcase it. Whether you have earned any certificate, put it down that I have earned the certificate from this specific domain. And do good online courses, whether it is paid or not paid. If it is useful for your specific domain, do it. Try to use the resources available everywhere in the market. Many portals nowadays are available and they are helping student a lot without doing any single penny expenses. सो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें हमेशा हमारे परसेंटेज से ही क्यों जज किया जाता है ज्यादातर? परसेंटेज से जज नहीं किया जाता. परसेंटेज एक क्राइटेरिया है, जो एक फिल्टर क्राइटेरिया है. जैसे मैंने बोला जीडी इज नॉर्मली फॉर द फिल्टर, तो परसेंटेज इज नॉर्मली फॉर द फिल्टर. फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी के पास 5 वैकेंसी है, बच्चे 200 है, तो 200 बच्चे को इंटरव्यू लेना उनके लिए डिफिकल्ट है, राइट? तो एक बेसिक क्राइटेरिया रखा है कंपनी ने कि भैया 60% से ऊपर होना चाहिए तो हम एलिजिबल करेंगे, राइट? इसका मतलब ये नहीं है कि 60% से नीचे वाला वो जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं है, बट दे हैव एम्पल ऑफ नंबर सिटिंग फॉर द इंटरव्यू. इफ यू टॉक अबाउट टॉप जाइंट कंपनी टीसीएस, विप्रो, उनके पास हजारों लोग, लाखों लोग अप्लाई करते हैं बच्चे. अगर वो सबको इंटरव्यू लेने लग गया तो फिर उनको आईटी कंपनी दूसरे काम बंद करके सिर्फ इंटरव्यू चालू करना पड़ेगा, राइट? तो एक परसेंटेज इज दी ओनली अ बेसिक eligibility criteria for sitting into the process. Many companies, the startups nowadays, they are not restricting the candidate the percentage because they know not the eligibility, they are also the good candidate and many are the successful one also. So percentage is only the numbers, so you cannot do anything. For example, you are doing graduation, if you have earned 60 or 45 or 50 or 52% in 10th, now you cannot change the percentage of yours in 10th. What you have to do now, you have to try your best, which you can do better for your current courses or the upcoming courses. So percentage, काफी बच्चों का query है कि percentage, मैं हर बच्चे को बोलता हूँ percentage जो हो गया वो हो गया, जो अपने हाथ में उसको बढ़ाने की कोशिश करो. एक reasonable percentage होना चाहिए. 60 से ऊपर percentage अगर किसी के हैं, 99% companies में वो eligible है. 60 से कम percentage किसी के हैं तो कुछ companies में वो eligible नहीं है. Otherwise भी आप खुद का एंटरप्रेन्योरशिप चालू करिए ना. आपको लगता है परसेंटेज नहीं है, बट आप जिसके परसेंटेज है 90 उसको जॉब दीजिए. उसको बोलिए कि भैया तू मेरे यहाँ कंपनी में जॉब कर, मेरे अंदर काबिलियत है, परसेंटेज कम है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं काबिल नहीं हूँ. स्टार्ट योर ओन एंटरप्राइज, गिव जॉब टू 90% स्टूडेंट.